10 किलो के घंटे हैं, 10 किलो के लोग 52 घंटे यहाँ पे लगवा रखे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अनाज, और यही गांव में फायदा है बस। ये हमारे भाई मिल गए, जो जो शिवानी जी की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गांव के हैं, इनके सर पे बाल नहीं आए इनको। एक खाटू श्याम जी का है और एक सात गुड़ों की पेंटिंग है। बाजार में रौनक खूब है। फ्रेंड कैसे हो आप, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का ब्लॉग जो है वो है गांव से, क्योंकि कल मैं शाम को आ गया था, भीड़ बहुत थी दोस्तों, त्यौहार का टाइम चल रहा है तो इतनी भीड़ है कि बस दिमाग ख़राब हो गया, और ऊपर से दो बैग, तो बैग की वजह से कंधों में होने लगा दर्द मेरी। तो आज की शुरुआत गांव के ब्लॉक से कर रहे हैं। अंशी क्या कर रहे हो तुम? रेशमा ओहो, अंशी तो सुबह सुबह चीज़ खाने लगी है। ये बंदी मेरी भैंस, ये भी अभी ब्याने को है, और ये है उसका बच्चा यानी कि पड़िया, पड़िया यानी कटिया, कटिया है पिछली साल की है। अब इस बार तो मेरी भैंस ब्याने को है, अब 2-4 दिन में ब्या जाएगी बस। अरे अरे ये भी मारती है खा ले चारा खा ले। गाइस ये है मेरा घर जो बिल्कुल गांव के बिल्कुल लास्ट में किनारे पर है, उसके बाद यहाँ से ये एक बाग है, और ये है छोटी सी परचून की दुकान। ये है मेरे पिताजी, ये छोटी सी दुकान कर रखी टाइम पास के लिए, इससे थोड़ा टाइम भी कट जाता है और 2 पैसे आ भी जाते हैं। सामान तो थोड़ा सा ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी फायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गांव में अनाज बहुत आता है। देखो ये दुकान से बाजरा कट्टे लगे हुए हैं, देख लो फ्रेंड, दुकान तो छोटी सी है, लेकिन इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अनाज, और यही गांव में फायदा है बस। चलते हैं अंदर, अभी सारी सफाई होने को है इसमें। जरा ऊपर ऊपर क्या क्या है, ये है रसोई, ये रसोई बनवा रखी छत पे, अभी तो सारी खाली पड़ी है रसोई क्योंकि खाना बनता है यहाँ पे। तो गाइस ये है मेरी छत, काफ़ी लंबी है छत, खैर करीब 150 गज का मकान है ये। और उसके बाद ये है मेरा, ये गांव वालों का बाग है, मतलब सबका ही है। तो ये यहाँ पे पूजा पाठ होती है। आ जाओ छत पे आ जाओ फ्रेंड। यहाँ पे ये है काली देवी का मंदिर, और ये हमारे ब्रह्मदेव बाबा का पीपल, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है ये। तो इसकी एक डाल मेरे छत से होके आगे तक जा रही है, यानी कि पूरी डाल ये छत पे ही है। आगे से दिखाऊँ आपको, ये देखो ये पूरी डाल जा रही छत पे। चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो सुकून गांव में है ना वो शहर के अंदर हकीकत नहीं है। पैसा तो है शहर में, लेकिन शहर में सुकून नहीं है, ट्रैफिक भीड़ भाड़ समझो दिमाग पक जाता है। लेकिन यहाँ देखो कितनी शांति, बिल्कुल शांत माहौल, हर तरीके के पीपल के पेड़ पे सुबह सुबह। और भाई गोपाल, राम राम जी, राम राम, खुश रहो। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इस समय? भगतपुर। तो भिवानी मते रिसु हमारे चाय पी रहे हैं, रिसु की मम्मी चाय पी रही हैं, और ये अंशी चाय पी रही है। और है पार्ले जी, अंशी क्या खा रही है? पापी मिल्क रस्क है ना, स्कूल तो जा रही हो, लेकिन ये ना ये कटोरी क्यों है? सरकारी स्कूल पढ़ा। अच्छा खाना मिलता है इसलिए, हाँ सही है, बढ़िया है। जाओ कौन से गांव में? भगतपुर गांव में। अच्छा ये सामने वाला गांव जो है, अच्छा चलो। और तुम क्या कर रहे हो? कल्लू उर्फ जग्गा रे ओए हुए, बच्चे आ रहे धीरे धीरे भाई। कहाँ स्कूटी? हाँ स्कूटी, ये कुत्ता ये मटर गस्ती कर रहा है, देखिए खड़ी है, ये खड़ी है ऊपर छत पे खड़ी है सोनी। बड़े बड़े 10-10 किलो के घंटे हैं, 10-10 किलो के लोग 52 घंटे यहाँ पे लगवा रखे हैं। ज़्यादातर आपको घंटे घंटे मिलेंगे चारों तरफ, ये देखो लाइन तार घंटे। फ्रेंड रौनक यहाँ इसलिए रहती है क्योंकि आपको भी मैं दिखाऊँगा, जितने भी मतलब भूत प्रेत हवा दिक्कत किसी को प्रॉब्लम है वो यहाँ पे
उतारे जाते हैं। ज़्यादातर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो मरीज आया नहीं, सुबह तो आए थे, कल मैं रात को जब आया 8 बजे तब भी मरीज बैठे हुए थे। और ये लगभग फ्रेंड, ये पीपल का पेड़ तो मेरे हिसाब से तो 100-150 साल पुराना होगा, क्योंकि मैं जब था तब से मैं ऐसे ही इसको देख रहा हूँ इतना बड़ा। पहले तो खैर यहाँ पे बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है खेत बना दिए गए हैं, लेकिन ये जो नया बाग लगाया गया है, ये किसी ने डलवा रखी, शायद यहाँ पे फर्श होगा, ये नीचे फर्श कराया जाएगा, किसी का शुद्ध हो गया होगा काम। अब जो ये नए पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं उसमें ज़्यादातर आम, अमरूद और इधर से साइड में नींबू है, ये नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। अभी तो खैर नींबू इसमें है नहीं, होली के आसपास आएंगे इसमें। गर्मियों में यहाँ पे पूरा टाइम काटते लोग बाग, क्योंकि ठंडक बहुत है यहाँ पे, प्लस क्या है कि मरीज भी आते हैं तो टाइम कट जाता है अच्छा लोग बागों का। और इस पर नहीं चढ़ते, नहीं इस पर नहीं, पूजा होती है इसमें। एक प्लॉट ये मेरा ये है, इसमें गोबर और कूड़ा साड़ा डाला जाता है इस साइड में, और ये भैंसे बनी हुई है। चलो जरा ये बाजरा के पूड़े हैं उठा लाएं, उठा के इकट्ठा कर दें, फिर ये मशीन से कटवा देंगे, भैंसों के लिए काम में आ जाएंगे। वो बाजरा तो कट गया, ये है इसका भूसा, ये किसी ने शायद, ये पड़ी पूड़ी, ये उठा के रखने वहाँ पे, ये रख दूँ जाके पहले। दोनों लोग नहा के आ गए, एन सी नहा के आ गए तुम? क्या? मैं भी अभी नहाऊंगा थोड़ा, मैं ये पूड़े है ना ये रख दूँ, इकट्ठे लगा दूँ यहाँ पे खेत से। वो बाबा लेके आ रहे हैं, देखो वो ला रहे बाबा सर पे रख के। अंशी तुम वहीं रहो, वहीं यहाँ मत आना। देखो कैसे सब पूड़े फैला दिए हैं। अंशी अंकल डांटेंगे वो, तुम पूरे फैला रहे हो सब, ये हैं कहा खरीद रही भाभी, दिए बेच रहा है भैया, दिए। चलो भैया कहाँ से है भैया? डकुगनपुरवा। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? महामाई। अच्छा महामाई पास। अच्छा चलो अच्छी बात है भैया, खाना बनाने की तैयारी चलने लगी है। क्या ये फ्रेंड देखो ये बनने लगा है खोया, अब दिवाली की मिठाई की तैयारी चल रही है। और ये है हमारी अम्मा हमारी बना रही हैं खोया चूल्हे पे। फ्रेंड ये तो मेरा मेन मकान है जो मैंने आपको बताया 150 गज के आसपास का, उसके बाद एक प्लॉट ये है मेरा, इसमें हमारी भैंस बनती हैं और अंदर इसके, चलो अंदर दिखाता हूँ। ये फ्रेंड इसमें ये बनी है शौचालय, जो मोदी जी के द्वारा दिया गया था वो शौचालय बना हुआ। अब तो इसका रंग उतर गया, अगर पेंट दोबारा करवाऊंगा इसमें। और ये है यहाँ हमारी अंदर भैंस बनती हैं, ये लगी है चारा काटने की मशीन, इसमें ये मोटर फिट है, यहाँ से प्लग लगाओ बोर्ड से और स्टार्ट चालू। और एक गेट ये है, ये गेट है बाहर की तरफ, यहाँ से खेत स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इसमें आलू रखे हुए हैं, ये हमारे भाई मिल गए, जो शिवानी जी की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गांव के हैं, इनके सर पे बाल नहीं आए, इनको प्रॉब्लम कोई दिक्कत, अगर आपके पास कोई इस चीज़ का हो तो क्या नाम इलाज तो बताना मुझे। और जो शिवानी जी वीडियो बनाती हैं तो ये भाई बाजार में बैठे मिलते हैं, ये मेरे गाँव के हैं। ठीक है, अगली बार मैं शिवानी से मिलने जाऊंगा, थोड़े भाई से मिलूंगा और शिवानी जी से मिलूंगा। ठीक है, तो बोल दो कुछ आप भैया, इनको सब्सक्राइब करना और ये हमारे गांव के मेरे भाई हैं और इनको लाइक करते रहना। अभी मैं नादो के रेडी हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ जरा गांव के पास में कस्बा है रामगढ़, तो रामगढ़ से जा रहा हूँ जरा दुकान का सामान भी लेके आऊँ, और अम्मा को भाई थोड़ी चोट लग गई है अंगूठे में, उसकी उनकी दवाई दिला लाऊंगा। गाड़ी हो गई पंचर, स्कूटी में तेल डलवा लूँ जरा। आ गए फ्रेंड डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब उंगली में पट्टी कर रहे हैं। फ्रेंड ये लगा है रामगढ़ का बाजार, आज चारों तरफ किलो सौ की 70 रुपया किलो।
चलो दिवाली के लिए कैलेंडर ले लो, दो कैलेंडर ले ले। हाँ बड़े बड़े हैं, एक खाटू श्याम जी का है और एक सात घोड़ों की पेंटिंग है। बाजार में रौनक खूब है। आए गए फ्रेंड घर है, अंशी हमारी के इंतजार कर रही है। अंशी सामान लेके आए दुकान का। ये है तुम्हारे गोलगप्पे हैं और इसमें चाउमीन है, लो। हाँ जग्गा तो ऐसा लगता है जैसे वेस्ट इंडीज का हो, है जग्गा कहाँ लग गई चोट देखिए अंगूठा। ओहो फ्रेंड खाना खा लो, दाल है, चावल हैं और रोटी है। रिसु तो खा रहे हैं और रिसु की मम्मी भी खाना खा रही है। लड़ी लगा दी है मैंने, अभी ये सामने सामने जल रही है, उसके बाद बाकी लगाऊंगा कल को। 9:30 बज गए हैं, अभी तक तो वार्तालाप चल रही है। रिसु देखो कट्टा पे गोल बैठ गए, क्या देख रहे हो कार्टून, ये पूरा एप्पल। अब मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट।